आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें बच्चों ये बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको हम मान लेते हैं वाई एक फंक्शन मान लेते हैं, वाई इक्वल हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस पावर को बाहर करेंगे 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू पावर 8 हो जाएगा, पावर डिफरेंशिएट हो चुका है इनटू ब्रैकेट। अब इसको हम चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x² का होगा 6x माइनस 9x का होगा 9। ये हो गया इसका डेरिवेटिव बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू भी दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x कॉस टू पावर 6x, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हम y मान लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ये ध्यान से, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर डिफरेंशिएट होगा, 3 बार आया साइन पे पावर 2x हो जाएगा, पावर डिफरेंशिएट हो चुका। अब देखो साइन x दिखाई दे रहा है, साइन x का होता है कॉस x चेन रूल के थ्रू, फिर प्लस साइन है प्लस साइन देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 पावर, पहले पावर दिखाई दे रहा है, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे 6 बाहर आया कॉस टू पावर 5x, पावर डिफरेंशिएट हो चुका। अब साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ये होता है इसका डेरिवेटिव। सो बच्चों इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं हम, 3 sin² x कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 6 cos 5x इंटू साइन एक्स। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है वो बाहर निकाल लो, साइन एक्स बाहर आ रहा है, कॉस एक्स बाहर आता है, 3 भी आ रहा है, 3 sin x इंटू कॉस एक्स ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचा साइन एक्स माइनस 2, एक साइन निकल गया था यहाँ से एक कॉस निकल गया था, तो कॉस पे पावर 4x, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको y हमने लेट कर लिया, 5x टू पावर 3 cos 2x। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? पावर x में है यानी वेरिएबल है, तो इसको लॉग के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी पावर वेरिएबल होता है तो लॉग के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल हो जाएगा 5x टू पावर 3 cos 2x, यहाँ पे लॉग ले लिया हमने। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a टू पावर b को हम पावर बाहर कर सकते हैं, b log a ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना? तो ये पावर बाहर आ गया, ये हो गया 3 cos 2x इंटू log 5x, ये हो गया log y। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx, 3 बाहर आ गया, इसमें लग जाना है प्रोडक्ट रूल। पहले cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे log 5x को एज इट इज़, प्लस log 5x को डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x को एज इट इज़ रखेंगे। सो dy अपॉन dx, ये y इधर आया 3y, cos का हो गया sin 2x माइनस साइन के साथ, और 2x का हो गया 2, चेन रूल लगेगा इसका करेंगे तो हम 2 हो जाएगा, x का 1 होता है, log 5x एज इट इज़ आ गया। log 5x को डिफरेंशिएट करोगे 1/5x होगा, ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 3 एज इट इज था, इस y को हमने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, ठीक है, ये y ये आया, cos का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन 2x, और 2x हुआ 2, ये बाहर लिख दिया, इंटू में log 5x, प्लस log 5x का करेंगे तो log का होता है 1/x, ये x है इसका ये वाला पार्ट, तो उसको लिख दिया, इंटू 5x का करेंगे तो 5 हो जाएगा चेन रूल के थ्रू, इंटू cos 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे करेंगे क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू हम लिखेंगे, 3y की वैल्यू ये थी क्वेश्चन वाला पार्ट, 5x टू पावर 3 cos 2x ब्रैकेट माइनस 2 साइन 2x
इंटू लॉग 5x, 5 यहाँ से कट गया, ये हो गया कॉस 2x बाई एक्स, कॉस 2x बाई एक्स हो गया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर।